दोपहर 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी उत्तराखंड में। बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद। और अब नया सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर कवायद चल रही है। आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसमें ऑब्जर्वर नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद नेता चुना जाएगा विधायक दल का, मतलब उस पर मुहर लग जाएगी और वही अगला सीएम होगा। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कोई मौजूदा विधायक ही अब उत्तराखंड का सीएम बनने जा रहा है, क्योंकि चुनाव अब नहीं संभव है। और उसी बात का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दिया है। देहरादून में आज दोपहर 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है। बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिसके बाद नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। बड़ी खबर, उत्तराखंड में जो सियासी हलचल है उसके बाद अब बीजेपी की सरकार बनने पर तीसरा मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। वो कौन होगा, आज दोपहर 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक के बाद तय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। इसी मसले को लेकर कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उत्तराखंड की सियासत पर कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एआईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। हरीश रावत, रणदीप सिंह सुरजेवाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने जा रहे हैं। देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह, करण माहरा भी इसमें शामिल होंगे। सुबह 9 बजे कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और वो कांग्रेस जो है एआईसीसी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में। रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरीश रावत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े हुए कई अहम नेता भी इसमें होंगे। जो भी कुछ उत्तराखंड की सियासत में चल रहा है, यहाँ के घटनाक्रम, उस सब को लेकर कांग्रेस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पीसी आज की जाएगी। सुबह 9 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अविनाश, सुबह 9 बजे पीसी होने जा रही है एआईसीसी की तरफ से। उत्तराखंड कांग्रेस तो निशाना साध ही रही है, यहां क्या कहा जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? हरीश रावत इसमें होंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला इसमें होंगे। देखिए, अगर बात करें आपका, तो इसमें हरीश रावत होंगे, इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे, और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह होंगे, विधानसभा में उपनेता करण महारा होंगे। ये चारों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो सियासत रही है अब तक, इसको लेकर उनकी ओर से बात रखा जाएगा। क्योंकि कल ही प्रभारी देवेंद्र यादव से जब मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ भाजपा ने छलावा करने का काम किया है, क्योंकि 70 में से 57 सीट जीतने के बाद अब राज्य को तीसरा मुख्यमंत्री देने जाने का काम कर रही है। जब संवैधानिक संकट था, तो तीरथ सिंह रावत को आखिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्या पहले से भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था? तो इस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम सारी बातें रखी थी। तो जाहिर तौर से बात है कि अब जब आज यहाँ पे पीसी होने वाली है, उनकी कांग्रेस की ओर से हरीश रावत यहाँ पे हैं, इसके अलावा प्रीतम सिंह है, करण महारा है, ये सभी लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता करके उत्तराखंड की जो सियासत है उस पर अपनी बात रखेंगे और आगे कांग्रेस की भी रणनीति को लेकर बात रखेंगे कि आगे कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किस तरीके से ये तमाम सारे समीकरण हो रहे हैं राजनीति में, इसको लेकर आगे जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अविनाश।